सब्सक्राइब कीजिए प्रथमेश ज्योतिष चैनल को ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बात करें आज के दैनिक राशिफल की तो आज 17 सितंबर दिन शुक्रवार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। नक्षत्र है श्रवण, अतिगंड नामक योग बन रहा है और चंद्रमा है मकर राशि में। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:50 से दोपहर 12:40 तक। राहु काल है सुबह 10:43 से दोपहर 12:15 तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य ना करें, वर्ण विघ्न आ सकता है। बात करें आज की चर्चा की तो आज की चर्चा में हम बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाम से हमारे जीवन पर ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार राशि से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है, उसी प्रकार नाम से भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि ऐसे अक्षरों के बारे में जिससे शुरू होने वाले नाम की लड़कियाँ सबसे अच्छी पत्नी साबित होती हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसी लड़कियाँ अपने पति का जीवन स्वर्ग बना देती हैं। इसमें पहला नंबर आता है जी अक्षर नाम की लड़कियों का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इस अक्षर से शुरू होने वाले नाम की लड़कियां दिल की साफ मानी जाती हैं। ये लड़कियां जिसे एक बार अपना बना लेती हैं उसके साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ती। ये अपने पति के से बेहद प्यार करती हैं और उसके साथ जीवन में स्वर्ग बनाने की पूरी कोशिश करती हैं। इस अक्षर से शुरू होने वाले नाम की लड़कियां अच्छी पत्नी साबित होती हैं। दूसरा नंबर आता है टी अक्षर। तो जिन लड़कियों का नाम इस अक्षर से शुरू होता है वो पार्टनर के लिए काफ़ी वफादार मानी जाती हैं। ये अपने जीवन साथी को खुश करने की हर संभव कोशिश करती हैं। पार्टनर की केयर करना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। ज्योतिष के माने तो इस अक्षर से शुरू होने वाले नाम की लड़कियाँ पति के लिए भाग्यशाली होने के साथ साथ अच्छी पत्नी भी साबित होती हैं। अगला नंबर आता है इसमें एम नाम की लड़कियों का। तो जिन लड़कियों का नाम इस अक्षर से शुरू होता है वो पार्टनर के प्रति काफ़ी केयरिंग होती हैं। वे हर परिस्थिति में अपने पति का साथ निभाती हैं। वे चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो अपने पति के लिए समय निकाल ही लेती हैं। अगला अक्षर आता है इसमें एस नाम का। तो जिन लड़कियों का इस अक्षर से नाम शुरू होता है वे काफ़ी इमोशनल मानी जाती हैं। ये काफ़ी धैर्यवान होती हैं और अपने पार्टनर का चुनाव बड़े ही सोच समझ कर करती हैं। ये अपने पति का पूरा ख्याल रखती हैं और उसकी लाइफ को खुशनुमा बनाने की पूरी कोशिश करती हैं। ये अच्छी पत्नी साबित होती हैं। बात करें आज के दिन के मेष राशि की तो आज का दिन आप माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है। आपका मन खुश रहेगा। जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य बना रहेगा। आज कारोबार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। मेष राशि के जातक की नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। आपकी आज सेहत सामान्य रहेगी। निजी संबंधों में मधुरता की स्थिति और मजबूत रहेगी। परिवार में सुख शांति का आप अनुभव करेंगे। समाज में आपके मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। आज आपका लकी नंबर है 3 और आज के लिए आप मंदिर में फल का दान करें तो आपके साथ कुछ अच्छा जरूर होगा। मेष राशि वालों, जहाँ तक आपके करियर की बात है तो परिणाम हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने बॉस और उच्च अधिकारी आपको भ्रमित कर सकते हैं। ये आपके काम में कुछ नेगेटिव प्रभाव पैदा करेंगे। धैर्य रखें और समय को अपना काम करने दें। रचनात्मक ऊर्जाएं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी और उसमें वृद्धि करेंगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। प्रेमी आपके साथी के प्रति अत्यधिक भावुक हो सकते हैं। आप नए संपर्क बनाएंगे और दोस्ती करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपका मन आपके वश में नहीं रहेगा। आपका मन अलग ही दिशा में चलेगा। प्यार और रोमांस से मन खुश रहेगा। मूड कर रहा है प्रेमी के साथ कुछ पल बिताने का तो आप ज़रूर बिताएं। आज के दिन शुभ फलदायी रहेगा। व्यापार धंधा अच्छा चलेगा। कार्यों में सफलता मिलने की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे जिससे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा और परिवार के साथ साथ आप आनंदपूर्वक समय बिताएंगे। जमीन वाहन आदि की खरीदारी कर सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं से बचना होगा। सेहत आज आपकी अच्छी रहेगी।
काम काज में लापरवाही ना रखे तो अच्छा रहेगा। व्यापार करते हैं तो मन लगा कर काम करें, वरना आपको हानि होगी। आज आपको नौकरी व्यवसाय में अचानक ही कुछ लाभ मिल सकता है। निवेश संबंधी व्यापार से आपको अनुभव के आधार पर जो आपकी चीज़ें काम की नहीं उन्हें हटाते हुए अब नवीनता लेकर आएँ अपने काम में। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दूसरों की गलत बात को भी आज आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिवार में आज कुछ झंझट उपस्थित होंगे जिसे सुलझाने में प्रभाव की कमजोरी स्थिति के कारण दिक्कत आएगी, इसलिए शॉर्टकट का सहारा ना लें और सुरक्षित रास्ते पर चलें। धन प्राप्ति के लिए आज समय अच्छा है, अपने प्रयास आप करेंगे तो सार्थक परिणाम मिलेगा। वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है तो सावधानी बरतें। आज माँ भगवती को उपासना करें, इससे आपको लाभ होगा। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।